काशीपुर में 3 दिन पूर्व एक 5 वर्षीय बालक की घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने मृतक मासूम की दादी जायदा की तहरीर पर हत्यारे पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्यारे पिता को पुलिस ने न्यायालय भेज दिया है। बता दें कि काशीपुर के मोहल्ला बाजवाड़ा निवासी मोहम्मद सलीम का अपनी पत्नी से तलाक हो गया था, जहां पिता और पुत्र घर में रहते थे कि 3 दिन पूर्व देर रात मोहम्मद सलीम के 5 वर्षीय पुत्र आदिल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद पिता मौके से फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मासूम की मौत की वजह का खुलासा हुआ। एएसपी राजेश भट्ट ने बताया कि मासूम के हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायालय भेज दिया गया है। एक छोटे बच्चे की बॉडी की सूचना हमें मिली थी, उसका हमने पोस्टमार्टम करवाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया है बच्चे की दादी की तरफ से, क्योंकि बच्चे का जो पिता था वो लगातार फरार चल रहा है। इसमें अभियोग पंजीकृत करने के बाद उसके पिता को पकड़ लिया गया है और आज उसको न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। क्या कारण रहा? देखिए, बेसिकली जो इसका फादर है वो शराब पीता है, नशा करता है। तो इसका ये कहना है कि बच्चा शैतानी कर रहा था, शराब के नशे में गुस्से में आकर के उसके द्वारा उसको पीटा गया, वो उसका सर पटक गया, इस कारण से उसकी डेथ हो गई। अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि उसकी बातों में कितनी सत्यता है। फिलहाल जो आसपास के लोग थे, कश्मीरी लोग थे, उनके बयान लेकर न्यायालय के समक्ष हम लोग उसको